भारतीय युवक काँग्रेसच्या वतीने राज्यभरातील युवकांसाठी बेरोजगारीवरील राष्ट्रीय पातळीचे भाषण स्पर्धा यंग इंडिया के बोलचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या स्पर्धेमध्ये युवक युवतींना आपले विचार मांडता येणार असून राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. यासाठी अखिल भारतीय काँग्रेसचे प्रवक्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जिला कांग्रेस कमेटी भवन में हम लोगों ने आज NRU और यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम को लॉन्च करने का कार्यक्रम रखा था. प्रेस वार्ता के माध्यम से लॉन्च करने के लिए रखा था और युवा कांग्रेस का उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा युवा हमारी पार्टी में काम करने के जो इच्छुक हैं और जो हमारी विचारधारा से मेल खाते हों, ऐसे युवाओं को हम आमंत्रित करें और उनकी राय हम लोग बेरोजगारी के ऊपर, जो इस देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा आज है, उस बेरोजगारी पर उनकी राय हम लोग लें. और इस पर हमने अलग अलग मंच उन्हें दिए हैं, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर. हर मंच पर वो अपनी राय रख सकते हैं. अपनी राय रखते हुए जैसे ही जो लोग अच्छे लोग चुने जाएंगे उन्हें प्रादेशिक स्तर पर ले जाया जाएगा, प्रादेशिक स्तर से जो अच्छे लोग चुने जाएंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा. और हम लोगों का मूल उद्देश्य, युवा कांग्रेस का मूल उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना है कि इस देश में NRC की नहीं NRU की ज़रूरत है, नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड की ज़रूरत है. इस देश में बेरोजगारी का जो आंकड़ा आज 7% से ऊपर जा चुका है उस पर काम करने की ज़रूरत है. जो पिछले एक साल में NCERB के हिसाब से आप देखें 13,000 से ज़्यादा युवाओं ने आत्महत्या कर ली है, लगभग रोज 30 से 35 युवाओं ने आत्महत्या की है, उस पर काम करने की ज़रूरत है. हमारे देश को विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ रोजगार की ज़रूरत है. और जो राहुल गांधी जी ने 2019 के चुनाव में हर शहर, हर गांव, हर गली में जाकर कहा कि इस देश में यदि कोई मुद्दा है तो वो है जॉब्स, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो इस देश में काम करने लायक आज की डेट में है. हमारा देश समृद्ध है, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं. उन्हें लड़ाने से बेहतर है उन्हें रोजगार दें, उनके घर में 2 वक्त का खाना पहुँचे. युवा कांग्रेस इस अभियान को लेकर के पूरे देश में काम कर रहे हैं. नाशिक मध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस प्रवक्ता सुबोधजी हरिद्वाल साहेब यांचे जे आगमन झालं, त्यांची पत्रकार परिषद झाली, आणि येत्या 8 मार्च रोजी संपूर्ण नाशिक जिल्हाभरात, म्हणजे नाशिक शहरात मी जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील पाटील आणि आमचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष विनय चोतवे आम्ही एकत्रितपणे संपूर्ण जिल्हाभरातील सर्व तालुक्यांमध्ये यंग इंडिया के बोल ही प्रतियोगिता स्पर्धा आम्ही आयोजित करत आहोत. आणि यामार्फत ज्यांना कुठल्याही प्रकारचा प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी मिळत नाही अशा युवकांना, युवतींना, विद्यार्थ्यांना आम्ही राष्ट्रीय स्तरावर प्लॅटफॉर्म देण्याचं काम यामार्फत करणार आहोत. आणि येत्या 8 मार्चला नाशिक शहरात ही प्रतियोगिता होते आहे आणि आत्तापर्यंत 56 त्याच्या एंट्रीज पण आलेल्या आहेत. आणि मला विश्वास आहे की नाशिक शहरातल्या मोठ्या जिल्ह्यातून कमीत कमी 200-300 एंट्रीज या युवकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, तरुण तरुणींच्या येतील आणि कुठेतरी त्यांना अतिशय चांगला प्लॅटफॉर्म मिळवून देण्याचा ट्राय आम्ही ह्या युवक काँग्रेसमार्फत इथे करू. आणि त्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा मला विश्वास आहे का नाशिकच्या गुणांना आणि नाशिकच्या कलेला कुठेतरी देश पातळीवर, राज्यपातळीवर वाव मिळेल यामार्फत. एवढंच मला विश्वास इथे वाटतो. धन्यवाद.